राज्य प्रशासनिक सेवा के 96 अफसरों का तबादला। दीप्ति वर्मा होंगी डिप्टी कलेक्टर रायपुर, वीरेंद्र बहादुर पंच भाई बने अपर कलेक्टर रायपुर। ये तमाम लिस्ट यहाँ पर जारी की गई है। दीप्ति वर्मा होंगी डिप्टी कलेक्टर रायपुर, पंच भाई बने अपर कलेक्टर रायपुर, वीरेंद्र बहादुर पंच भाई बने अपर कलेक्टर रायपुर। अंकिता गर्ग को मिली उप सचिव निर्वाचन आयोग की जिम्मेदारी। सामान्य प्रशासन विभाग ने जारी किया आदेश, दीप्ति वर्मा डिप्टी कलेक्टर रायपुर, वीरेंद्र बहादुर पंच भाई बने अपर कलेक्टर रायपुर। के साथ ही साथ 96 अफसरों के तबादले की सूची जारी की गई है। अंकिता गर्ग को मिली उप सचिव निर्वाचन आयोग की जिम्मेदारी। अंकिता गर्ग को मिली उप सचिव निर्वाचन आयोग की जिम्मेदारी। रायपुर से खबर, राज्य प्रशासनिक सेवा के 96 अफसरों का तबादला, सूची जारी कर दी गई है। रायपुर की कलेक्टर के तौर पर दीप्ति वर्मा तैनात की गई हैं, वीरेंद्र बहादुर पंच भाई बने अपर कलेक्टर रायपुर। दीप्ति वर्मा डिप्टी कलेक्टर होने के साथ ही साथ वीरेंद्र बहादुर पंच भाई को अपर कलेक्टर रायपुर बनाया गया है। अंकिता गर्ग को मिली उप सचिव निर्वाचन आयोग की जिम्मेदारी। और इसके बाद बात करते हैं अगली खबर की। लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक स्वर्गीय रामविलास पासवान की आज बरसी थी, जहां चिराग पासवान ने अपने पूरे परिवार के साथ अपने पिता को श्रद्धांजलि अर्पित की। चिराग पासवान के साथ उनकी मां रीना पासवान, बड़ी मां राजकुमारी देवी समेत परिवार के कई अन्य लोग भी मौजूद रहे। कुछ देर पहले चाचा पशुपति पारस ने भी अपने भाई रामविलास पासवान के चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। पिता को श्रद्धांजलि देने के बाद चिराग पासवान ने श्रद्धांजलि सभा में पहुंचे तमाम लोगों का धन्यवाद किया। इसके साथ ही साथ चिराग पासवान ने रामविलास पासवान के लिए राजकीय सम्मान की मांग करते हुए राज्य की तरफ से उन्हें सम्मान मिलने की मांग की है। और इस बरसी कार्यक्रम में राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने भी शिरकत की, अपने भाव व्यक्त किए। लोगों के पास मैं गया हूँ निमंत्रण देने, तमाम आ रहे हैं। एक बजे से अभी कार्यक्रम था ही, और उससे पहले ही मैं धन्यवाद करूंगा महामहिम राज्यपाल जी का कि उन्होंने आकर इतना समय यहाँ पर दिया, प्रसाद वो लेकर यहाँ से वो गए और इतनी देर वो बैठे, परिवार के तमाम सदस्यों से महामहिम जी मिले। और अभी जैसे कार्यक्रम की शुरुआत ही है, धीरे धीरे तमाम और सम्मानित सदस्य, कई सांसद यहाँ पर आ चुके हैं, कई विधायक, कई विधान पार्षद यहाँ पर आ चुके हैं। मैं अपनी तरफ से, अपने परिवार की तरफ से बहुत ही विनम्रता पूर्वक हाथ जोड़कर जहाँ उन सबका आदर सम्मान करता हूँ, वहीं आने के लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। दलित होते हुए सब समाज के स्वीकृत नेता थे, उनके जाने से हम लोगों को बहुत दिक्कत हुई है और दिक्कत में है। विभिन्न पार्टी के होते हुए भी मनभेद नहीं था, मतभेद था, तो आज वो चले गए हैं, हम लोगों के लिए पूज्य हैं, उनके आदर्शों पर चलने का हम लोग प्रयास करेंगे। सर आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब तक नहीं पहुंचे, क्या कहेंगे? अब उनके बारे में हमको अभी जानकारी नहीं, हम सीधे आ रहे हैं गया से। दीपनगर में मामूली विवाद में 8 साल की मासूम का पहले अपहरण किया गया और फिर हत्या कर शव को पानी से भरे गड्ढे में फेंक दिया गया। मासूम का शव पानी से भरे गड्ढे से मिला, जिसके बाद इलाके में सनसनी फैल गई। इस मामले में नाबालिग को हिरासत में लिया गया है, हालांकि इसके बाद भी आक्रोशित परिजन नहीं माने और अस्पताल गेट के समीप सड़क पर धरने पर बैठे। इस दौरान किसी कार्यक्रम से लौट रहे नालंदा SP का परिजनों ने घेराव करते हुए आरोपी की गिरफ्तारी और कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की मांग की। और इसी बीच लखनऊ से खबर आ रही है। लखनऊ से खबर, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य करेंगे उद्घाटन।
बीजेपी की मीडिया कार्यशाला आज, जिसका उद्घाटन करेंगे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। सत्येंद्र देव सिंह के साथ सुनील बंसल भी रहेंगे मौजूद। सांसद अनिल बलूनी विशेष रूप से रहेंगे उपस्थित। यूपी बीजेपी का मीडिया कार्यशाला आज, यूपी बीजेपी की मीडिया कार्यशाला आज, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य करेंगे उद्घाटन। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य करेंगे उद्घाटन। लखनऊ से खबर, यूपी बीजेपी की मीडिया कार्यशाला आज। और इस खबर पर हमारे साथ रेजिडेंट एडिटर लखनऊ से मनीष पांडे जुड़े हुए हैं। जी मनीष, जानकारी आपसे चाहेंगे। आज बीजेपी की कार्यशाला है, मीडिया कार्यशाला, और उसका उद्घाटन डिप्टी सीएम करेंगे, साथ ही साथ प्रदेश अध्यक्ष भी इस मौके पर मौजूद रहेंगे। क्या कुछ गुर या क्या कुछ गुरु मंत्र इस कार्यशाला में दिए जाएंगे? देखिए, निश्चित रूप से किसी भी पार्टी का जो मीडिया डिपार्टमेंट होता है वो काफी महत्वपूर्ण होता है, तमाम खबरों को लेकर, तमाम पार्टी के मुद्दों को लेकर जनता और मीडिया के सामने अपना पक्ष रखता है। इसी को देखते हुए हालांकि बीजेपी की मीडिया की जो नई टीम बनी है उसमें बहुत सारे ऐसे नाम आए हैं जो अभी तक मीडिया या मीडिया विभाग से जुड़े हुए नहीं थे। ऐसे में बीजेपी ने उन सभी को प्रशिक्षित करने का, कह सकते हैं आप, एक कार्यक्रम शुरू किया है जिसमें मीडिया कार्यशाला का आयोजन किया गया है। आज 11 बजे से प्रदेश मुख्यालय पे मीडिया कार्यशाला की शुरुआत होगी। इसमें दो प्रमुख, जो एक तरह से कहा जा सकता है कि लोगों को सम्मिलित किया गया है, जिसमें राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी है जो राष्ट्रीय मीडिया प्रमुख है, उसके अलावा संजय मयूख जो पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता है, ये दोनों लोग भी इस कार्यशाला को संबोधित करेंगे। संबित पात्रा जो राष्ट्रीय मीडिया में अक्सर जिन्हें देखा जाता है क्योंकि लंबा चौड़ा उनका अनुभव है, वो भी मीडिया डिपार्टमेंट के जो पैनलिस्ट हैं और जो प्रवक्ता हैं उन्हें दांव पेच समझाएंगे। इस कार्यशाला का जो उद्घाटन है वो उत्तर प्रदेश के जो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य है वो करेंगे। स्वतंत्र देव सिंह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दोनों लोग इस कार्यक्रम के समापन के अवसर पर मौजूद रहेंगे। तो कुल मिला के आप कह सकते हैं कि जो मीडिया की टीम है एक तरह से उसे और मजबूत करने के लिहाज से यह कार्यक्रम रखा गया है। और इस कार्यक्रम की शुरुआत जो है आज दोपहर 11 बजे बीजेपी कार्यालय में शुरू हो जाएगी। जी जी बिल्कुल, तो बेहद ही संगठित तरीके से कहीं ना कहीं भाजपा मीडिया कार्यशाला का आयोजन कर रही है। और जिस तरह से भाजपा का हमेशा से चरित्र रहा है कि हर बात को लेकर काफी अच्छे तरीके से, मैनेजमेंट की यदि बात की जाए तो मोदी शाह के मैनेजमेंट की हर ओर तारीफ होती है। अब जब इस कार्यशाला का शुभारंभ हुआ है तो कितने लंबे समय तक चलेगी, और उसके बाद जिस तरह से आपने बोला कि समापन में मुख्यमंत्री भी यहाँ पर उपस्थित रहेंगे, तो क्या कुछ और ट्रेनिंग में शामिल किया जा रहा है? देखिए, एक दिवसीय कार्यशाला बताई जा रही है इसमें, क्योंकि बहुत सारे मुद्दे होते हैं जब विपक्ष सरकार पे हावी होने लगता है। कल का आप एक मुद्दा आप देख सकते हैं कि किस तरीके से एक जाने माने एक मीडिया संस्थान में एक फोटो छपती है और फोटो में जो फ्लाईओवर है वो कलकत्ता का लगा दिया जाता है, तो कहीं ना कहीं जो सरकार है, सरकार के लोग है, वो असहज हो गए। और फिर मीडिया की टीम उतरती है, वो समझाती है। बहुत सारे प्रवक्ताओं के आप ट्वीट देखेंगे तो उसमें इन्होंने लिखा है कि भाई हम मार्केटिंग में नए हैं, तो एक अपनी जो कमी है, उनकी जो एक कमी है जिसको लेके विपक्ष उन पर हमलावर हो रहा था, उसे भी बड़े खूबसूरत अंदाज में वो संभाल ले जाते हैं अपनी मीडिया टीम के माध्यम से। तो यही गांव पे सिखाए जाएंगे कि किस तरीके से जो विपक्ष के हमले हैं उनका मीडिया में आकर जवाब दिया जाए, जिससे पब्लिक में जो मैसेज विपक्ष देना चाहता है, जो निगेटिव इमेज बनाना चाहता है, वो ना बने। ये तमाम चीजें समझाना, चूंकि जो भी लोग उसमें राष्ट्रीय मीडिया प्रमुख हैं, उसके अलावा जो राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े ऐसे नेता हैं जो मीडिया के एक तरह से कह सकते हैं आपकी महारथी माने जाते हैं, कितना भी संगीन आरोप हो, कितना भी बड़ा मामला हो, वो अपने तर्कों से पार्टी का और सरकार का बचाव करते हैं, वो तमाम लोग नए मीडिया पैनलिस्टों को समझाएंगे। तो कार्यशाला का जो समय है वो आज एक ही दिन का बताया जा रहा है, लेकिन फिलहाल काफी महत्वपूर्ण है कि मीडिया टीम को भी बीजेपी समय समय पर कार्यशालाओं के माध्यम से जागरूक करने में लगी हुई है, और उन्हें भी ट्रेन कर रही है कि वो ज्यादा से ज्यादा किस तरीके से उनकी मीडिया टीम प्रभावी ढंग से काम करे। जी बिल्कुल मनीष जी, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज भाजपा की मीडिया कार्यशाला
का शुभारंभ किया जाएगा। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य इस कार्यशाला का शुभारंभ करेंगे। प्रदेश अध्यक्ष भी इस मौके पर रहेंगे, साथ ही साथ राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी भी इस मौके पर उपस्थित रहेंगे। बात करेंगे अगली खबर की। सहरसा के बेहरा थाना क्षेत्र में एसपी लिपि सिंह के दिशा निर्देशों पर लगातार सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है, जिसको लेकर पुलिस प्रशासन सख्त नजर आ रही है। वहीं बेहरा थाना के द्वारा सघन वाहन छापेमारी भी की गई। अधिकारी के निर्देशानुसार वाहन चेकिंग किया जा रहा है और चेकिंग के दौरान चलान भी काटा जा रहा है। अगली खबर कटिहार से है, जहां हसनगंज प्रखंड में 29 सितंबर को होने वाले पंचायत के नामांकन के पांचवें दिन के पूरे परिसर में मेले जैसा माहौल देखने को मिला। मौके पर प्रत्याशियों का उत्साह इस कदर देखने को मिला कि रामपुर पंचायत के हाथियादेरा गांव में मुखिया प्रत्याशी मोहम्मद आजाद आलम उर्फ गुड्डू एक अनोखे अंदाज में भैंस में चढ़कर नॉमिनेशन के लिए पहुंचे, जिसको लेकर मुखिया प्रत्याशी मोहम्मद आजाद आलम ने कहा कि प्रखंड मुख्यालय में भैंस पर सवार होकर आने के पीछे हमारा एक उद्देश्य है कि आज महंगाई से हम पेट्रोल खरीद नहीं सकते, जिसकी वजह से किसान व पालक भी हैं, जिसके चलते अपने हमसफर पशु की सवारी कर रामपुर पंचायत से मुखिया पद पर नॉमिनेशन कराने के लिए पहुंचे। आज महंगाई के दौर में हम तेल खरीद नहीं पाते हैं, इसी वजह से हम किसान हैं और हम पशुपालक भी हैं, तो हम पशुपालक से ही जो है हम सवार करते हैं। खगड़िया में गोगरी थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर 14 में मामूली कहा सुनी में महिलाओं के बीच मारपीट हो गई। दो पक्षों में एक पक्ष से अकेले महिला ललिता देवी व दूसरे पक्ष से आधे दर्जन महिलाओं ने ललिता देवी की बेगूसराय में इलाज के दौरान इस हादसे के बाद मौत हो गई। शव को लेकर परिजन गोगरी थाने के गेट पर गिरफ्तारी की मांग करने के लिए अड़े रहे। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी मनोज कुमार ने यह भी बताया कि मामले की जाँच की जा रही है और तीनों महिलाओं की गिरफ्तारी की जा चुकी है। दिनांक 10 को 9/21 को संध्या में ललिता देवी और उसके पड़ोसी के बीच में आपस में वाद विवाद हुआ था। इसी क्रम में ललिता देवी के जख्मी होने की सूचना है, लेकिन उनके द्वारा उनके परिजनों के द्वारा थाने में कोई सूचना नहीं दिया गया था। पहले वे लोग प्राइवेट में इलाज करवाए, उसके बाद गोगरी अस्पताल में इलाज कराते हुए सदर अस्पताल खगड़िया गए, वहाँ से रेफर कर लिया गया तो बेगूसराय में निजी नर्सिंग होम में इलाज के क्रम में उनकी मृत्यु हो गई। आज प्रातः सबको गोगरी लाया गया, जिन्हें अंत परीक्षण कराने हेतु भेजा जा रहा है। पूर्व केंद्रीय मंत्री व लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक रहे रामविलास पासवान की आज पहली बरसी है। इस मौके पर सारे कार्यक्रम पटना स्थित उनके घर पर आयोजित हो रहे हैं। पिता की पहली बरसी पर चिराग पासवान ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर देश के कई बड़े नेताओं को आमंत्रित किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पटना तो नहीं आ रहे, लेकिन दिवंगत नेता रामविलास पासवान को याद करते हुए उन्होंने लेटर जरूर भेजा है। उन्होंने बरसी पर संदेश लिखकर उन्हें याद किया है। वहीं इस दौरान चिराग पासवान ने कहा कि पिताजी की बरसी के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संदेश प्राप्त हुआ। सर, आपने पिताजी के पूरे जीवन के सारांश को अपने शब्दों में परोकर उनके द्वारा समाज के लिए किए गए कार्यों का सम्मान किया है। जदयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा खगड़िया दौरे पर हैं। यहां जेडीयू कार्यकर्ताओं ने अलौली में उनका भव्य स्वागत किया। इस दौरान उपेंद्र कुशवाहा ने अलौली में भाषण के दौरान अपील की है कि ताकत मांगने आए सभी को ताकत दीजिए। बौका के धोरैया प्रखंड में पुलिस की मनमानी चल रही है। धोरैया थाना अध्यक्ष की मौजूदगी में सिपाहियों ने रामविलास साह को डंडे मार मार कर अधमरा कर दिया। पुलिस के इस रवैये से जनता काफी आक्रोशित नजर आई।
और जमकर हंगामा किया। आपको बता दें कि धौरिया प्रखंड कार्यालय पर दर्जनों जनप्रतिनिधि अपना नामांकन कराने के लिए प्रखंड कार्यालय पहुंचे थे। इसी दौरान एक व्यक्ति ब्लॉक कार्यालय के बाहर सड़क के किनारे खड़ा हुआ था। इस बीच धौरिया थाने के एक सिपाही ने अपने मन से एक निर्दोष व्यक्ति को डंडे मारना शुरू कर दिया। इस दौरान पत्रकारों के साथ भी बदसलूकी की। बलौदाबाजार जिला समेत पूरे प्रदेश में धर्मांतरण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, जिसके विरोध में प्रदेश के सभी जगहों पर भाजपा कार्यकर्ताओं के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। बलौदाबाजार जिले में भी भाजपा कार्यकर्ताओं के द्वारा पैदल रैली निकाली गई। साथ ही थाना सिटी कोतवाली प्रभारी महेश ध्रुव को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भी सौंपा गया। रैली के दौरान पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गौरी शंकर अग्रवाल, भाटापारा विधायक शिवरतन शर्मा, भाजपा जिलाध्यक्ष सनम जागड़े सहित जिले के तमाम भाजपा के जनप्रतिनिधि व कार्यकर्ता इस मौके पर मौजूद रहे। भारत माता की जय। धर्मांतरण जिस तेज गति से हो रहा है उससे पूरा समाज चिंतित है। भारतीय जनता पार्टी ने 11 तारीख को आजाद चौक से राजभवन तक पैदल मार्च करके सभी प्रमुख लोगों के साथ, जिसमें भाजपा के सभी सांसद, पूर्व सांसद, विधायक, पूर्व विधायक, प्रदेश के पदाधिकारी सम्मिलित थे। और इसके बाद आइए आपको सीधे ले चलते हैं अहमदाबाद, जहां पर आज भाजपा के नए मुख्यमंत्री पद के तौर पर भूपेश पटेल शपथ लेने वाले हैं। तमाम तैयारियां शपथ ग्रहण समारोह को लेकर की जा रही है। इन तैयारियों का जायजा लेने के लिए ये सीधी तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर अहमदाबाद से, जहां पर मुख्यमंत्री पद के शपथ ग्रहण समारोह की तमाम तैयारियों को लेकर लगातार कवायद चल रही है। आज दोपहर 2:20 पर शपथ ग्रहण समारोह होगा मुख्यमंत्री भूपेश पटेल का। तो पहली तस्वीर आप देख पा रहे हैं जिसमें भावी मुख्यमंत्री मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं, और दूसरी तस्वीर आप भावी मुख्यमंत्री के घर के बाहर की देख पा रहे हैं, जहां पर भारी संख्या में जमावड़ा लगा हुआ है। पत्रकारों के साथ ही साथ भारी संख्या में समर्थक भी यहां पर मौजूद हैं। आज दोपहर 2:20 पर शपथ ग्रहण समारोह होना है। मुख्यमंत्री गुजरात के नए मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे भूपेंद्र पटेल। भूपेंद्र पटेल को गुजरात की कमान सौंपी गई है। भूपेंद्र को मिली है गुजरात की कमान। दोपहर 2:20 पर होगा शपथ ग्रहण समारोह। शपथ ग्रहण समारोह से पहले मुलाकात करने पहुंचे हैं भूपेंद्र पटेल। और इसके बाद बात करते हैं रायपुर की। राजधानी रायपुर में विंध्य एकता संघ के स्थापना दिवस के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता रायपुर ग्रामीण विधायक सत्यनारायण शर्मा और मुख्य अतिथि के तौर पर मध्य प्रदेश मेहर विधायक नारायण त्रिपाठी के द्वारा की गई। दरअसल मध्य प्रदेश के विंध्य क्षेत्र को लंबे समय से प्रदेश बनाने की मांग की जा रही थी। विंध्य क्षेत्र का एक अंश रायपुर में विंध्य नगर के नाम से बसा हुआ है। साथ ही विंध्येश्वर महादेव भी यहां विराजमान है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि नारायण त्रिपाठी से हमारे संवाददाता रोहित मिश्रा ने की खास बातचीत। मध्य प्रदेश से 4 विधायक पाठी जी आज रायपुर पहुंचे हैं, उनसे बातचीत करेंगे। वो विंध्य प्रदेश की मांग लंबे समय से कर रहे हैं और उन्होंने ये बीड़ा भी उठाया है कि देश भर में जहां पे विंध्य प्रवासी रहते हैं वहां पे जाके वो उनको एकजुट भी करेंगे। आपने विंध्य प्रदेश की मांग कर रहे हैं, आखिर इसकी ज़रूरत क्यों आन पड़ी है? विंध्य प्रदेश पहले से था,
मैं पुनर्निर्माण की बात कर रहा हूँ, जो भी इंद्र प्रदेश था, जिन षड्यंत्रों के तहत, जिन झूठी बातों के तहत बिंद कबीले मध्य प्रदेश में किया गया था, अब बिंद के लोग जागृत हो चुके हैं, जागरूक हो चुके हैं, समझ चुके हैं कि हमारे साथ धोखा हुआ है। तो जो संघ की परिकल्पना है, जो अटल जी की परिकल्पना थी, छोटे राज्य बनेंगे, राज्य का विकास होगा, संघ की परिकल्पना भी में भी महाकौशल प्रांत है, महाकौशल मध्य भारत मालवा, हम तो किसी में भी बात कर रहे हैं कि हमारा जो था वो हमें लौटा दिया जाए, हमारा जो लौट जाएगा, तो जो मोदी जी का सपना है आत्मनिर्भर हिंदुस्तान, समृद्ध हिंदुस्तान, वो आत्मनिर्भर बिंद समृद्ध बिंद बनेगा, वो माँ शारदा का धाम है, माँ शारदा अमर होने का वरदान दी आला और उनकी पत्नी को, तो उसका क्षेत्र है वो, राम की तपोभूमि है चित्रकूट, तो ये हमारा बिंद जो था वो हमें मिलना चाहिए। आज चित्रकूट की बात की, अयोध्या में देखा गया राम भगवान का जन्म हुआ तो वहाँ भव्य मंदिर बन रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं चित्रकूट को देखा जाए तो अभी भी उसके मामले में पिछड़ा है, तो चित्रकूट को क्या स्पेशल देना चाहेंगे? मांग उठी बिंद मंदिर बनाने के लिए, कितने पूरा हिंदू हिंदुस्तान का वर्ल्ड का हिंदू लगा था कि राम मंदिर बने, हम लोग भी चाहते राम मंदिर बने, हर आदमी चाहता था राम मंदिर बने। आसपुर में अभी हमारे लोग मुंबई महाराष्ट्र मुंबई में है, तो उन जगहों में जाऊंगा, सबको जागृत करूंगा, सबको समझाऊंगा कि बिंद है या तो अटल जी के सपने पर बनेगा या परिकल्पना पर बनेगा, बनाएंगे हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री मोदी जी, तो हम ये चाहते हैं कि पूरे हिंदुस्तान में जो बिंद के लोग फैले हुए हैं वो सब इकट्ठे और अपनी ताकत को बताएं, बिंद बनाइए, यदि बिंद नहीं बनेगा तो जाति धर्म पर उठकर बिंद का एक एक आदमी इकट्ठा होगा और बिंद का पुनर्निर्माण कराएगा। ये थे हमारे साथ नारायण त्रिपाठी, जिनके साफ तौर पर मांग है कि विंध्य क्षेत्र, मध्य के विंध्य क्षेत्र को अब प्रदेश घोषित कर दिया जाए। कैमरा पर्सन मोहित मिश्रा के साथ मोहित मिश्रा के बुलेटिन में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द वापस लौटते हैं। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। सुबह के लिए उड़ चला अपने पन की ढूंढता, दूर कितना भी जा इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद बात करेंगे सूरजपुर की। सूरजपुर में सोमवार को आजादी के 75वें अमृत महोत्सव पर रेणुका सिंह फैंस क्लब द्वारा विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जहां सोमवार को जिला चिकित्सालय परिसर में आयोजित इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री रेणुका सिंह मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित रहीं। वहीं इस दौरान रेणुका सिंह ने जरूरतमंदों को रक्तदान देने वाले युवाओं को प्रेरित करते हुए कहा कि महापुरुषों की जीवनी पर भी अपने उद्बोधन में प्रकाश डाला। वहीं जिले के 75 युवाओं ने रक्तदान शिविर में हिस्सा लिया, जहां रक्तदान शिविर को लेकर कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखने को मिला। इस दौरान CMHO और एस सिंह सहित स्वास्थ्य विभाग भी रक्तदान शिविर में अपनी सक्रिय भागीदारी निभाते हुए नजर आए। देश की आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये निर्णय लिया कि इस 75वें वर्ष को हम अमृत महोत्सव के रूप में मनाएंगे, और इसलिए मनाने के लिए तय किया क्योंकि तो आज़ादी हमें बहुत कठिनाइयों के बाद मिली है, तो उस गर्व के पल को हमारे देश के युवा और आने वाली पीढ़ी याद रखे, इसलिए मैंने आज अपने संसदीय क्षेत्र में इस अमृत महोत्सव में 75 प्रकार के आयोजन करने के लिए विचार किया है, जिसमें आज सूरजपुर जिला चिकित्सालय में हमारे इस क्षेत्र के 75 युवा रक्तदान करेंगे और आज यही कार्यक्रम चल रहा है। अंबिकापुर के गंगापुर में शराब दुकान को हटाने की मांग को लेकर महिलाओं के द्वारा कलेक्टर को ज्ञापन देने के बाद मामले में कोई कार्रवाई नहीं होने पर अंततः आज दोपहर को स्थानीय महिलाओं ने एकजुट होकर शराब की दुकान का शटर गिराकर उसमें ताला लगा दिया, लेकिन बाद में प्रशासन ने दुकान का ताला खुलवाया और फिर शटर उठाया गया। क्या है पूरा मामला, देखिए एक रिपोर्ट के जरिए। गंगापुर में स्थित शराब दुकान जिला रोजगार कार्यालय के ठीक बगल में है, और रोजगार कार्यालय के बगल में होने के कारण कार्यालय में अपना पंजीयन कराने के लिए आने वाले बेरोजगारों को यहां काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है।
सबसे ज्यादा परेशानियां युवतियों को होती हैं, क्योंकि शराब दुकान में दिन भर शराबियों का जमावड़ा लगा रहता है और वो कई बार मार्ग से गुजरने वाली युवतियों से छेड़खानी भी करते हैं। इन सब के अलावा कई बार शराबी शराब पीकर गाली गलौज झगड़ा मारपीट भी करते हैं और स्थानीय दुकानदारों से भी विवाद करते हैं। शराबियों की इन हरकतों से आसपास रहने वाले परिवारों के सामने एक विकट स्थिति हो जाती है और इन सब घटनाओं के कारण स्थानीय लोग लंबे समय से शराब दुकान को वहां से हटाकर कहीं और स्थापित करने की मांग कर रहे हैं। मैं इसलिए मांगी हूं कि यहां दारू भट्टी नहीं रहना चाहिए। क्या समस्या होती है? ये दारू भट्टी है, बहुत खतरनाक है। यहाँ बहुत बेटी बहन का भी इज्जत का सवाल है, देखिए। इसलिए यहाँ से हट जाएगा तो बहुत अच्छा रहेगा। आप यहाँ से हटा के कहीं भी रख दीजिए, उसके लिए हमको कोई चीज नहीं है। कब से आप लोग यहाँ पे विरोध हो रहा है इस शराब दुकान का? ये विरोध 5 साल से हो रहा है। अभी तक क्यों नहीं हटा, क्या लगता है? अभी तक तो नहीं हटा, पता नहीं क्यों नहीं हटा, लेकिन हम लोग तो बहुत नारा लगाए, बहुत कलेक्टर के पास भी गए, लेकिन कुछ सुनाई नहीं हुआ। दुकान को वहाँ से हटाने की मांग को ज्ञापन सौंपने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई और इससे परेशान होकर महिलाओं ने आज शराब दुकान में तालाबंदी करने की तैयारी कर ली थी। 25 से 30 महिलाओं ने वहां एकजुट होकर शराब दुकान हटाने की मांग करते हुए नारेबाजी शुरू कर दी और फिर दुकान का शटर गिराकर ताला लगा दिया। इस पूरे घटनाक्रम के दौरान शराब दुकान के कर्मचारियों ने किसी भी प्रकार का विरोध नहीं किया और महिलाओं द्वारा शराब दुकान में तालाबंदी किए जाने की सूचना पर SDM भी वहां पर आए और उन्होंने विरोध कर रही महिलाओं को कार्यवाही का आश्वासन भी दिया। ये गंगापुर वार्ड में शराब दुकान स्थित है, उसे हटाने को लेकर लोग आज यहाँ एकत्र हुए थे। इनकी मांग है कि शराब दुकान को यहाँ से अन्यत्र स्थानांतरित कर दिया जाए। तो इनको बताया गया है कि नवंबर माह में सलाहकार समिति की बैठक होती है, उसमें आकर ये अपनी बात रखें और सलाहकार समिति संतुष्ट हो जाने पर प्रस्ताव शासन को भेजें। कच्चे कल्याण ब्लॉक के अंतिम छोर में बस से धर नक्सल प्रभावित ग्राम पंचायत जंगमपाल लगातार कई वर्षों से विकास की बाट जोह रहा है। घोर नक्सल प्रभावित इलाका होने के कारण सरकार की योजना इस पंचायत में पहुंचना किसी चुनौती से कम नहीं है। जिला पंचायत अध्यक्ष तुलिका कर्मा की पहल से अब यह गांव विकास की ओर अग्रसर हो रहा है। लगभग 3 महीने पहले दंतेवाड़ा विधायक देवती कर्मा, छबिद्र कर्मा, जिम्प अध्यक्ष तुलिका कर्मा ग्रामीणों की समस्या सुनने जंगमपाल पहुंचे थे। इस दौरान सभी ग्रामीणों ने खुलकर अपनी समस्याएं बताई, उसी वादे को अब पूरा किया जा रहा है। आज ग्राम पंचायत जंगमपाल में फताकी, तोमपाल, छोटे तोमपाल, बड़े लखापाल, सभी जगहों से शिविर, एक शिविर के तौर पर हम लोगों ने एक कार्यक्रम रखा जिसमें सभी पंचायतों से आए हुए थे और विभिन्न समस्याओं से मुझे अवगत कराया। ग्रामीणवासियों द्वारा ही मुझे बुलाया गया था कि बड़ी समस्याओं का उन लोगों को सामना करना पड़ता है और आज मैं जब आई हूँ। और इसी बीच नितिन पटेल कुछ कह रहे हैं, आपको सुनाते हैं। माननीय नवा वरायेला मुख्यमंत्री श्री भूपेन्द्र भाई पटेल मारा वर्षो जूना मित्र छे, साथी छे, तेवो श्री धारासभ्य नोता, अमदावाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ना स्टेन्डिंग कमिटी ना चेरमेन हता के औडा ना चेरमेन हता। त्यारथी अमारो वर्षो जूनो पारिवारिक संबंध छे अने एमनी साथेना संबंधोना जे जूना अनेक संभाळना ए अमारा छे। તેઓ શ્રી જ્યારે ધારાસભ્ય બન્યા ત્યારે એમની કાર્યાલયનું ઉદ્ઘાટન કરવા માટે પણ એમને મને નિમંત્રણ આપ્યું હતું ને એમનું ધારાસભ્ય કાર્યાલયનું ઉદ્ઘાટન પણ મેં કરેલું। એમને ત્યાં સામાજિક પ્રસંગ હોય કે મારા ત્યાં સામાજિક પ્રસંગ હોય, અમારા બધા પારિવારિક સંબંધો છે, એટલે ગઈકાલે જ્યારે મુખ્યમંત્રી નિયુક્ત થયા ત્યાર પછી મારે મહેસાણામાં અગાઉથી નિશ્ચિત કાર્યક્રમ હતો જેની છાપામાં જાહેર ખબરો આવી ગયેલી, મંડપો બંધાઈ ગયેલા, પત્રિકાઓ વેચાઈ ગયેલી, એટલે માન્ય તેથી ગુજરાત કે ડિપ્ટી સીએમ નીતિન પટેલ આજ શપથ ગ્રહણ સમારોહ સે પહેલે ભાવી મુખ્યમંત્રી સે મુલાકાત ભી કી હૈ ઓર ઉસી કો લેકર આગે કે કાર્યકાલ કો લેકર આશાન્વિત નજર આયે। ફિલહાલ ઇસ બુલેટિન મેં ઇતના હી, બાકી કી ખબરો કે લીએ લગાતાર દેખતે રહીએ કે ન્યૂઝ ઇન્ડિયા। નમસ્કાર।